ब्रेकफास्ट, स्वागत है आपका। राजस्थान के अनूपगढ़ में प्रशासन की ओर से मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रंगोली, नुक्कड़ नाटक, मैराथन दौड़ और बैनर के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही स्वीप प्रभारी शाजिया तबस्सुम ने बताया कि विभिन्न कर्मचारी मतदाताओं को डोर टू डोर संपर्क कर जागरूक कर रहे हैं। इसी के चलते जागरूकता फैलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। और बड़े बड़े बैनर पोस्टर अनूपगढ़ जो नगर पालिका एरिया है उसमें भी, साथ में जो ग्रामीण एरिया है, घरसाना तक का जो एरिया आता है अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, उसमें सारे बैनर पोस्टर सब लगाए जा रहे हैं। तो कहीं भी हम एक व्यक्ति भी ऐसा छोड़ना नहीं चाहते जिसको ये संदेश ना पहुंचाओ कि वो अपना मतदान ना करे। मतलब हम हर व्यक्ति को 100% हम ये चाहते हैं कि लोग जागरूक हो जाएं, अपना मतदान दें, लोकतंत्र को जिंदा रखें। राजस्थान के कानौड में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां हर घर के पास से 11,000 केवी लाइन का तार गुजर रहा है, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। ऐसा ही मामला सामने आया है कानौड के गांव राजपुरा से, जहां से 11,000 केवी का तार टूटकर एक बैल पर गिर गया, जिसमें बैल बुरी तरह से झुलस गया, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष है। यार राजा की लाइन जा रही है, उसका तार टूट गया है। मेरा बेल यहाँ बंधा हुआ था, वो 15 मिनट तक लाइन में उलझा रहा। उसके बाद में उसकी रस्सी कटवा के उसको बचा गया। तो ये लाइन मैन को भी फोन किया, लेकिन लाइन मैन भी कोई हाजिर नहीं हुआ यहाँ। और जब भी ये तार, मतलब चौथी बार तार टूटा है, और लाइन मैन की लापरवाही से ये चौथी बार तार टूटा है, क्योंकि 3-4 साल से ये लाइन पे साफ सफाई पेड़ पौधे नहीं काट रहे हैं। इसलिए इस लाइन की लापरवाही से मेरा बैल अभी मरने से 5 मिनट और लाइट आती तो बैल मर जाता। राजस्थान के थानागाजी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष जैन और कार्यकर्ताओं ने घाटा, सालेटा, आगर समेत कई गांवों का दौरा किया और घर घर जाकर जनसंपर्क कर पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। इस मौके पर मनीष जैन ने कहा कि सूबे में आपकी सरकार बनने पर किसानों, बिजली, शिक्षा समेत सभी कार्यों को पूरा करवाया जाएगा। साथ ही कहा कि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो उसका जल्द हल निकाला जाएगा। मनीष जैन ने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली की तर्ज पर काम किया जाएगा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में अस्पताल में एक प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। बता दें कि परिजनों का आरोप है कि प्रसूता को अस्पताल में वो भर्ती कराने पहुंचे थे, जिसके बाद महिला को लेबर पेन शुरू हो गए। परिजनों ने डॉक्टर को बुलाया लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचा। महिला पूरी रात दर्द में तड़पती रही, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं परिजन अस्पताल में व्यवस्था सुधारने और कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। फिलहाल मौके पर पहुंचे अतिरिक्त जिला कलेक्टर और पुलिस उपाधीक्षक ने ग्रामीणों को समझा कर जाम को खुलवा दिया है। व्यवस्था नहीं है, गरीब तड़पता रहता, कोई इलाज नहीं करते हैं। यहाँ जनाना वार्ड में तो बहुत स्थिति खराब है, यहाँ डॉक्टर की ड्यूटी नहीं है। जिला चिकित्सालय में प्रतापगढ़ में डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर डिलीवरी के लिए महिला को लेके आते हैं तो यहाँ कोई इलाज नहीं होता है, डॉक्टर नहीं मिलता है। उसके बाद मरीज परेशान होकर प्राइवेट अस्पताल में जाता है। प्राइवेट अस्पताल में एक डिलीवरी के 50,000 रुपया, 60,000 रुपया और ऑपरेशन के नाम से लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं। और इन लोगों की मिली भगत है, गरीब आदमी खाने के लिए दाना नहीं है। वो आदमी अपने महिला की, अपने परिवार के सदस्य की जान बचाने के लिए वो रकम गिरवे रखता है। राजस्थान के अलवर के राधेनगर कॉलोनी में शिवालय की प्रतिमा तोड़ने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलते ही लोग मंदिर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। लोगों ने बताया कि कई साल पहले मंदिर का निर्माण कॉलोनी वासियों ने करवाया था। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा और शिव परिवार की स्थापना करवाई गई थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर पहुंचकर शिव परिवार को खंडित कर दिया है। लोगों ने बताया कि मंदिर के आसपास खाली जगह पर असामाजिक तत्व आकर शराब पीते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुगस्का में राधे कॉलोनी में
एक मंदिर है शिव परिवार का जो ओपन में बना हुआ है, और उसमें से जो शिवलिंग और तीन चार मूर्तियां जो हैं उनको खंडित किया गया है। अब उसका के मौका देखा है और मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान करके मुलजिमों को पकड़ेंगे। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा रतनगढ़ के 11 केंद्रों पर संपन्न हुई। हिंदी विषय के लिए आयोजित परीक्षा के लिए 3,231 परीक्षार्थी नामांकित थे, जिनमें से 653 परीक्षार्थी अनुपस्थित मिले और 2,578 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों की गहनता से जांच की गई, वहीं पुलिस अधिकारी परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए चाक चौबंद दिखाई दिए। चलिए वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें पंजाब से।